हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटी रिच विद मीना। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग गुड। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आप अपने हेयर्स को नेचुरली बरगंडी कलर कैसे ला सकते हो यूजिंग हिना। तो आइए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेहंदी पेस्ट बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमें लगने वाला है नूपुर का हिना पाउडर। मैं यहाँ पे नूपुर मेहंदी का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कौन से भी मेहंदी पाउडर यूज़ कर सकते हो, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है। एंड उसके बाद हमें लगने वाला है 1 टेबल स्पून टी पाउडर। देन हमें लगने वाला है 1 एग। उसके बाद 1 बीट। एंड देन हमें लगने वाला है मेहंदी पेस्ट बनाने के लिए आयरन की कढ़ाई। तो हमें मेहंदी पेस्ट भिगोने के लिए या बनाने के लिए हमेशा ही आयरन यूटेंसिल यूज़ करने चाहिए। आप आयरन के यूटेंसिल ही क्यों? क्योंकि हिना पाउडर में एक टैनिन करके डाई मॉलिक्यूल होता है। जब हम आयरन के बीकर में या आयरन के बाउल में बर्तन में पेस्ट बनाते हैं, तो वो हिना पाउडर में जो टैनिन कर रही डाई मॉलिक्यूल है वो रिलीज होता है और आयरन के साथ कंबाइन होके एक ब्लैकिश डाई फॉर्म करता है। इसीलिए हमें मेहंदी पेस्ट हमेशा ही आयरन बाउल में, आयरन कढ़ाई में भिगोना बहुत ही ज़रूरी होता है। टी पाउडर के साथ एक उबला हुआ टी का पानी बनाना है, तो उसके लिए मैंने एक बाउल में 1 ग्लास इतना पानी लिया है और इसमें टी पाउडर हम डाल देंगे और इसको उबाल आने तक हम उस पानी को होने देंगे। तो ये जब तक पानी हमारा बन रहा है, तब तक हम बीट का जूस बना लेते हैं। इस तरह से बीट को हमने मिक्सर में बारीक कर लिया है। अभी इसको एक छलनी की हेल्प से, या फिर आपके पास मसलिन क्लॉथ होगा तो आप मसलिन क्लॉथ से इसका जूस निकाल सकते हो। इस तरह से मैंने बीट जूस पूरा निकाल लिया है। अभी हमारा इस तरफ टी पाउडर हमने जो बॉईल करने के लिए रखा था वो भी रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इसमें उबाल आ चुकी है। अभी इसको हम, आप 5-10 मिनट में इसमें उबाल आ जाती है। अभी एक छलनी की हेल्प से हम इसको फिल्टर कर लेंगे। अच्छा ब्राउन कलर आया हुआ है। इस तरह से टी पाउडर भी हमने फिल्टर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं उस वक्त लेमन को बताना भूल गई थी, लेमन भी लगेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम मेहंदी पाउडर को कढ़ाई में डालेंगे। आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से मेहंदी पाउडर ले सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे बालों के लेंथ के हिसाब से, मुझे जितनी मेहंदी की क्वांटिटी लग रही है मैं उतना लूँगी। यहाँ पे मैंने मेहंदी ले चुकी हूँ। अभी बीट जूस जो है हम इसमें ऐड करेंगे। बीट जूस हम पूरा का पूरा ही ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एक लेमन को डालेंगे। लेमन आप सुबह में भी डाल सकते हो, ओवर नाइट पेस्ट करके उसके बाद भी आप लेमन को डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी वक्त लेमन को ऐड कर रही हूँ। लेमन हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हिना पाउडर जो है वो एसिडिक के साथ मिक्स होने के बाद ब्लैक पिगमेंट देता है। इसलिए हम एसिडिक बेस को ऐड करते हैं। एसिडिक बेस में आप लेमन ले सकते हो या फिर विनेगर भी इसमें ऐड कर सकते हो, तो कलर अच्छा आता है। इसलिए हम मेहंदी पाउडर में लेमन या विनेगर ऐड करते हैं।
देन हम इसमें एग ऐड करेंगे। अभी हम इसमें टी पाउडर के साथ जो वाटर बनाया था वो ऐड करेंगे धीरे धीरे। इस तरह से आप मेहंदी पेस्ट को वाटर के साथ मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि कोई लम्स इसमें फॉर्म ना हो, अगर लम्स होंगे तो उसको अच्छे से मिक्स करिए। कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है और ज़्यादा ठीक भी नहीं चाहिए। इस तरह से मेरा मेहंदी पेस्ट बन गई है। कल सुबह मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ऑक्सीडाइज होने के बाद ये आयरन के कढ़ाई में कैसे ब्लैक कलर फॉर्म होता है। इस सुबह मैं आपको ओवरनाइट रखने के बाद सुबह में आपको इसका दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ओवरनाइट रखने के बाद मेहंदी पेस्ट इस तरह से दिख रही है, आप देख सकते हो। आयरन कढ़ाई का यही फ़ायदा है कि अपन हम जब आयरन कढ़ाई में मेहंदी पेस्ट बनाते हैं, ये जो ब्लैकिश कलर की लेयर दिख रही है, तो आयरन कढ़ाई में के साथ आयरन और मेहंदी पाउडर का इसमें रिएक्शन हुआ है। पिगमेंट्स हिना पाउडर ने रिलीज़ किए हैं। इस तरह से हमारी मेहंदी पेस्ट तैयार है बालों के ऊपर अप्लाई करने के लिए। आज का ये वीडियो आपको कैसे लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप इस तरह से मेहंदी पेस्ट को बना के आप अपने हेयर्स के ऊपर ट्राई कर सकते हो, और आपका रिज़ल्ट हेयर पे क्या आता है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर आप इसका फीडबैक दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।